आप सभी का स्वागत है द वाई स्टोरीज में। मेरा नाम युवराग ही है और आज हम जानेंगे राजस्थान की शान, हमारी अभिन्न संस्कृति, हमारी पहचान रखड़ी के बारे में। कहते हैं कि ये रखड़ी सदियों पुरानी चली आ रही है परंपरा। छोटे बच्चियों से लेकर बड़ी औरतें इसे रोज़ पहना करती थीं। आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ तीज त्यौहार, शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर हम इसे धारण करती हैं। और तो और, आजकल मांग टीके ने रखड़ी की जगह ले ली है। लेकिन सही मायनों में राजस्थानी श्रृंगार और गहना तो रखड़ी ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस रखड़ी को बांध सकते हैं। और हाँ, ये जानने से पहले मैं ये भी बता दूं कि बाज़ार में तरह तरह की रखड़ियाँ मिलती हैं, सोने की, चांदी की और हीरे मोती जड़ी हुई, और आर्टिफिशियल रखड़ियाँ भी मिलती हैं। तो आप अपनी पसंद से, अपने हिसाब से वो रखड़ी खरीद सकते हैं। पुराने ज़माने में राजे रजवाड़ों की सोने की रखड़ी, उसमें हीरे मोती जड़े होते थे। आजकल जो भी उसे अफोर्ड कर सकता है वो रखड़ी खरीद सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बांधेंगे रखड़ी। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत होगी बाल सुलझाने के कंघे की, ऐसे एक सेक्शनिंग कॉम्ब की ताकि आप बीच की मांग निकाल सकें, ये देखिए। और आपको ज़रूरत होगी एक ऐसे रबर बैंड की जिससे आप बाल बांध सकें, ऐसी टिक टैक पिन की ताकि आप उसके नहीं बालों में काम में ले सकें। और ज़रूरत होगी हमें इस तरह की छोटी क्लिप्स की, जो कि जब आप बीच की मांग निकाल के इस बालों का सेक्शन लेंगे तो उन्हें पकड़ के रखेगी, ठीक है। तो ये छोटी क्लिप आप लाके रख सकते हैं। इसके अलावा छोटा क्लच हो सकता है ऐसा, या आपके पास में जो भी छोटा क्लच हो क्राउन एरिया के बालों को होल्ड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला तरीका रखड़ी बांधने का। तो सबसे पहले आपने बाल सुलझा लीजिए। मैंने अपने बाल ऑलरेडी सुलझा लिए हैं। और बीच की मांग निकाल लीजिए, ये ऐसा सेक्शनिंग कॉम्ब लीजिए और बीच की मांग निकाल लीजिए, ये बीच की मांग निकाल लीजिए, ठीक है। अब बीच की मांग निकालने के बाद क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका रखड़ी बांधने का, अपने बालों को ऐसे एक चोटी बनाइए और उसे पीछे बांध दीजिए, ये देखिए। ऐसे चोटी बनाने के बाद में क्या करना है, आपको अपनी रखड़ी लेनी है, उससे बिल्कुल बीचों बीच रखना है, ऐसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे। तो जब आप ऐसे रखोगे तो आगे के कुछ बाल इधर और इस तरफ, दोनों तरफ आपके बाल थोड़े से निकले हुए दिखेंगे। अब आप उसे बीचों बीच करके रखड़ी को बांध दीजिए। नीचे एक गांठ लगाएंगे और ऊपर भी एक गांठ लगाएंगे, और जैसे जूते की लेस बांधते हैं वैसे हम इसे बांध देंगे, ये देखिए। ये बन गई आपकी सबसे आसान तरीका ये देखिए। तो जो लोग सिंदूर लगाते हैं वो यहाँ पे छोटा सिंदूर भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, आपने फिर से बीच की मांग निकाली और अब आप करेंगे ये ये सेक्शनिंग कॉम्ब लेके ऐसे एक बालों का आगे का सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा भी सेक्शनिंग कॉम्ब से लेके आगे का ये सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो आपने ये दोनों तरफ के सेक्शनिंग ले लिए, ये देखिए, ये ऐसे दो सेक्शन आपने ले लिए बालों के, और पीछे के बालों को आपने चोटी बना लेना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे लेके इनको बिल्कुल सफाई से पीछे के बालों को आपको एक चोटी बना लेना है, ये आपने चोटी बना ली, ठीक है। अब चोटी बनाने के बाद इन बालों को ऐसे ही रखना है। अब आपको लेनी है आपकी रखड़ी और उसे देना है ऐसा, यहाँ पे पकड़ना है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। रखड़ी को बीचों बीच पकड़ना है और उसे आपको ऐसे वी शेप में, ये देखिए, वी शेप के पैटर्न में पकड़ के रखना है। अब आप करेंगे एक छोटी सी टिक टैक पिन लेंगे, ये देखिए, ये छोटी टिक टैक पिन लेंगे, इसे आगे से सिक्योर कर लेंगे, बिल्कुल आगे से
इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। और ये जो पार्टीशन लिया है पीछे की तरफ, इनमें भी एक एक पिन डाल के इन्हें सिक्योर कर लेंगे। अब ये आपने जब आगे से सिक्योर कर लिया, अब ये जो बाल हैं इनको कोम कर लीजिए। कोम करने के बाद इनको अच्छे से बढ़िया से सेक्शन करिए, ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट करके पफ बनाना है, ठीक है, पफ बनाना है। और इस बालों को इनको रखड़ी के पीछे छुपाना है, ठीक है। तो ये ऐसे पफ बनाएंगे और इसको ऐसी क्लिप से सिक्योर कर देंगे पीछे की तरफ, ठीक है। बाकी बचे हुए बाल छोटी में लेंगे लेकिन बाद में। और दूसरी तरफ के भी हेयर जो हमने बालों का सेक्शन लिया था उसे भी ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, उसे भी ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके उसे पफ बनाते हुए पफ बनाते हुए एक यहाँ पे क्लिप कर देंगे, ठीक है। ये क्लिप हो गया, ये क्लिप हो गया। अब ऐसे सिर हिला के देख लीजिए, ये देखिए। और ये पीछे के बालों को भी आप इनको वापस से अपनी चोटी में ले लेंगे एक और रबर बैंड से, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गई एक और तरीका ऐसे वी शेप का। तो इसमें ना जब आपको मैरी पहननी पड़े, ऐसे तरह की माथा पट्टी पहननी पड़े, तो वो बहुत अच्छे से बैठती है, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तीसरा तरीका जो कि मैं आम दिनों में रोज़ ऐसे ही रखड़ी बांधती हूँ क्योंकि जल्दी से बन जाता है। तो बीच की मांग निकाली हुई हमारी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये आगे के कुछ बालों को लेके उनको सेक्शन कर रहे हैं। तो आप अंदाज से बाल ले लेंगे और उन्हें ऐसे ट्विस्ट करके उनका एक पफ बना लेंगे। ये देखो मैंने कैसे ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करके इसको ऐसे छोटा सा पफ की जैसे बनाएंगे, ठीक है। अब पफ बनाने के बाद ऐसी छोटी पिन से उसे सिक्योर कर लेंगे। कर लिया, अब दूसरी तरफ भी हम यही करेंगे। थोड़े से बाल लेंगे, उन्हें ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके इसे आगे आगे के बालों को ट्विस्ट करके ऐसा एक पफ बना लेंगे। ये दिख रहा है आपको, ऐसा पफ बना लेंगे। पफ बनाने के बाद उसे हम यहाँ से इस पिन से सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दोनों तरफ से मैंने पिनें सिक्योर कर ली। अब मैं बांधूंगी इसकी एक चोटी, चोटी ये चोटी बंध गई, ठीक है। अब ये चोटी बांधने के बाद ये देखिए बाल ऐसे लग रहे हैं। अब आप लेंगे अपनी रखड़ी, ठीक है। अब रखड़ी को बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। अब आपको इसको जो ये आपने पफ बनाया है, ये देखा आपने इधर का पफ और इधर का पफ, इस पफ के अंदर दबाते हुए धागे ले जाने हैं, ठीक है। ये देखिए इधर को भी मैं उठा के इसके अंदर रख रही हूँ। ये पफ जो बनाया है इसके अंदर दबाना है, इसको दबाते हुए पीछे लेके जाना है, ठीक है, पीछे लेके जाना है। एक नॉट चोटी के नीचे बांधना है, एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक नॉट बांध दिया। अब मैं देख रही हूँ कि धागा अच्छे से दबा हुआ है या नहीं, नहीं है तो मैं उसे दबाऊंगी बिल्कुल क्लिप के ऊपर से ले जाके उसके अंदर फिक्स कर रही हूँ। ये देखो इधर भी क्लिप के बाहर से ले जाके इसके अंदर फिक्स कर रही हूँ। ढीला ढीला लगाना है फिर भी वो टिकी रहेगी, देखिए ऐसे ऐसे कहीं नहीं जाएगी। अब मैंने एक गांठ चोटी के नीचे दी और एक गांठ चोटी के ऊपर दे रही हूँ और एक छोटा सा लूप बनाकर उसे सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए धागा भी नहीं दिख रहा है, रखड़ी भी बंध गई। अब आप पहनेंगे अपना ओढ़ना इसके ऊपर, देखिए बिल्कुल आसान है। अब आखिरी तरीका, चौथा तरीका, और भी बहुत सारे तरीका लेकिन आज आपको मैं ये चार तरीके सिखा रही हूँ। पहले ये अभ्यास कीजिएगा फिर हम और नई चीज़ें सीखेंगे। तो चौथे तरीके में क्या करना है, आपको बैक कॉम करना है बालों को, ठीक है, और क्राउन एरिया के बाल लेने हैं। तो बैक कॉम कर रहे हैं और हम सिर्फ क्राउन एरिया के बाल ले रहे हैं। ये देखिए क्राउन एरिया के बाल लेने हैं,
बैक कॉम करना है और ये क्राउन एरिया के बाल लेने हैं, ठीक है। क्राउन एरिया के बाल लेने के बाद क्या करना है, क्राउन एरिया के बालों को लेने के बाद उन्हें ऐसे छोटा पफ टाइप बना के उसे एक क्लिप में सिक्योर करना है। ये दिख रहा है आपको, ऐसे एक क्लिप में सिक्योर कर दिया, ठीक है। छोटा सा क्लच, कोई भी क्लच हो उसमें आपको बढ़िया तरीके से उसको सिक्योर करना है, ठीक है। ये हमने सिक्योर कर दिया पफ बना के। अब आप लेंगे अपनी रखड़ी, ठीक है, और इस रखड़ी को एकदम बीचों बीच ऐसे धागे से निकालेंगे, ठीक है। अब इस रखड़ी को आपने छोटी सी टिक टैक पिन से यहाँ आगे सिक्योर कर देना है, ऐसे छोटी पिन से सिक्योर कर दिया, और धागा पीछे से लेके जाना है और इसे अपनी चोटी में बांध लेना है, और जहाँ से कहीं आपको लगता है कि निकल जाएगी तो वहाँ भी थोड़ी सी टिक टैक पिन लगा दीजिए। ये चोटी में सिक्योर हो गया, और ये भी एक तरीका, ये देखिए रखड़ी का स्टाइल हो गया, बैक कॉम किया। जिनके बहुत अच्छे गहरे बाल हैं वो ये स्टाइल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये स्टाइल से ज़ुबैदा मूवी में करिश्मा कपूर ने भी अपनी रखड़ी बांधी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और एक सिंपल तरीका रखड़ी बांधने का। मेरी माथा पट्टी, माथे का जाल, जो भी आपका अधिक जेवर है सिर का, वो आप इसके साथ पहन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत काम का लगा होगा। शादियों का सीज़न आ रहा है, अगर आप इसे अभ्यास करेंगे तो हो सकता है इस शादी के सीज़न में आप अपनी रखड़ी मिनटों में बांध लें। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़िए मेरे इस चैनल से, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मिलेगी आपको राजस्थान से जुड़ी किस्से कहानियाँ और ऐसी ही राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी जानकारी। राम राम।